फिजिक्स की जो आज ब्रांच पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस ब्रांच का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था एक ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स की जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस ब्रांच में हमने ये देखा कि अगर चार्ज रस पर होता है तो उससे रिलेटेड क्या फिनोमेना और क्या इफेक्ट होते हैं। तो फिजिक्स की ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इस ब्रांच में हम ये देखने वाले हैं कि अगर चार्ज मोशन में होता है तो उससे रिलेटेड क्या फिनोमेना और क्या इफेक्ट होते हैं। समझ में आया? इसमें इलेक्ट्रो का मतलब बेसिकली है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या लिया गया है? चार्ज। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? चार्जेस इन मोशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिख सकते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस इन मोशन। हम किसकी स्टडी करते हैं? चार्जेस इन मोशन की स्टडी। सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। फिर अब क्या, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट। ये करंट वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये इन जनरल इंग्लिश में करंट यूज होता है फ्लो के लिए। इसके लिए फ्लो के लिए, तो अगर किसी चीज का कहीं पर फ्लो होता है तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? करंट। अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो बोलेंगे वाटर करंट। अगर एयर फ्लो हो रही है तो हम क्या कहेंगे? एयर करंट। समझ में आता है? अब यहाँ पर ना वाटर फ्लो हो रहा है ना एयर फ्लो हो रही है, हम बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? लूज टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस। बताइए फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ